बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हमने पिछली 4-5 वीडियो में हमने ये जो हमारे ये नोट्स हैं हमने पढ़े, शॉर्ट नोट्स, रुबाई, नज़म, गज़ल, मरसिया, कत्ता, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हमें उन सब में से एक ही चीज़ रह गई थी, मसनवी। तो आज हम मसनवी के बारे में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट साथ में उठाते चलें और अपनी कापीज पर ये सब चीज़ें नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको इस कापी से मदद मिल सके। तो 8वीं जमात के तुलबा व तलबात, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, आपकी घर में बैठे हुए सेहत का, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मसनवी के बारे में। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? मसनवी किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ साथ आप ये नोट भी करेंगे अपनी कॉपीज पर, ठीक है। मसनवी उर्दू की कदीम सनफ शायरी है। इसमें हर किस्म के ख्यालात को रवानी और तसलसल के साथ अदा किया जा सकता है। मसनवी उर्दू की एक कदीम सनफ शायरी है, उर्दू की कदीम शायरी है, पुरानी शायरी है। इसमें हर किस्म के ख्यालात को तसलसल के साथ अदा किया जा सकता है। कदीम शराए अदब ने इस सनफ पर इस सनफ में तबा आजमाई की है, मगर वो मसनवी आम तौर पर आशकिया होती थी। इसमें फर्जी किस्से और अनहोनी बातें नज़म की जाती थीं। इन मसनवियों में हारजी वाकात और मनाजर का भी उम्दा बयान होता था। तारीखी लिहाज से ये मसनवियाँ अहम हैं क्योंकि इन मसनवियों से माशरती जिंदगी पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। पहले जो मसनवियों में जो वाकात होते थे उनका जो मनाजर होता था वो बड़ा ही उम्दा होता था। तारीखी लिहाज से वो मसनवियाँ जो होती थी बड़ी अहम होती थी। आजकल की मसनवियाँ जो हैं वो माशरती जिंदगी पर काफ़ी रोशनी डालती हैं। पुरानी मसनवियों में मीर हसन की मसनवी सहरल बयान सबसे अच्छी मसनवी है। जो पुरानी मसनवियाँ थी ना बच्चों, उनमें से मीर हसन की जो मसनवी जिसका नाम है सहरल बयान, वो सबसे अच्छी मसनवी है। रवानी और रसलासत इसमें बहुत हैं और तकरीबन 2 सदी पुरानी है। हाली और आज़ाद ने इस सनफ की अहमियत को पूरी तरह महसूस किया और उसके ज़रिए जदीद उर्दू शायरी का आगाज होता है। हाली के बाद मसनवी का दायरा कशादा हो गया और अब उर्दू में रदफिया और नरमिया, मजहबी और अहलाकी हर तरह की मसनवियाँ नजर आती हैं। हाली और आज़ाद जो हैं उन्होंने इस सनफ की अहमियत को महसूस किया और अपनी शायरी का आगाज इन्हीं से किया। तो हाली जो है उसके बाद मसनवी का दायरा जो है वो बड़ा कशादा हो गया, बड़ा होता गया और मजहबी और अहलाकी हर तरह की मसनवियाँ नजर आने लगी। पहले तो जो मसनवियाँ होती थी वो हाली अश्किया बातें होती, अनहोनी बातें होती थी, लेकिन आज की मसनवियाँ जो हैं वो हमारी माशराती जिंदगी पर होती हैं और मजहबी और अहलाकी हर तरह की मसनवियाँ नजर आती हैं। ताहम ऐसी मसनवियों की फिर भी कभी की है जिनमें हालात हाजरा और आला किस्म की अहलाकी अमरूज बातें नज़म की गई हों। अलामा इकबाल ने मसनवी की तरज पर एक मसनवी साकी नामा के अनवान से लिखी है। अलामा इकबाल जो हैं उन्होंने मसनवी एक लिखी है जिसका नाम है साकी नामा, उसका अनवान है लिखी है, जिसका फॉर्म तो कदीम है, ख्यालात में सियासी रंग है। हफीज जलिंद्री ने शाहनामा इस्लाम भी मसनवी की तरज में लिखा है। तो बच्चों मसनवी हफीज जलिंद्री ने भी शाहनामा इस्लाम भी मसनवी की तरज में लिखा
है। तो ये था आज का छोटा सा ये जो हमारा टॉपिक है, मौजू है मसनवी, तो ये कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पर लिखें। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।